Hi, I am Naresh Astrologer and today's forecast for Pisces, weekly forecast from 29th of August 2016. First of all, this video will be in Hindi language and then after this video will be in English language. So listen for Pisces. Shri Ganeshaya Namaha. आज का ये वीडियो है मीन राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा है इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में जो चल रहे हैं आपकी राशि से छठे स्थान के अंदर। यहाँ पर राहु साथ में चल रहे हैं जो आपके लिए शुभ हैं, रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं। 1 सितंबर 2016 को सूर्य ग्रहण हो रहा है तो जिसके चलते हुए रोग शत्रु पर तो आपको विजय मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके चलते हुए आपको अपने रिलेशनशिप में खास केयर करना होगा अपने मैटरनल साइड यानी कि मामा मौसी के साथ। एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से आपका कुछ काम है तो उसमें भी आपको केयर करना होगा, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। चंद्र भ्रमण इस सप्ताह के अंदर पंचम स्थान से लेकर सप्तम स्थान तक है, जो भी आपके लिए शुभ ज़्यादा शुभ नहीं है क्योंकि चंद्र कॉन्स्टेंटली डाउन साइड चल रहा है जिसके चलते हुए आप मूड डाउन का सिचुएशन फेस कर सकते हैं। यदि आपके कोई मित्र हैं मीन राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें चैनल पर, कमेंट्स करें वीडियो पर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाउ इज थिंक विथ दिस फॉर स्पाइसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्शन ऑफ सन विच इज पासिंग इन द 6th हाउस इन कंजक्शन विथ राहु ऑन 1st of September 2016 देर इज सन एक्लिप्स। इन इम्पैक्ट ऑफ सन एक्लिप्स यू हैव टू बी यू मेक्स अ विल विनिंग यूर एनिमीज बट एट द सेम टाइम हैव टू टेक केयर इन रिलेशनशिप विथ योर मैटरनल साइड। मून ट्रांजिट इज ऑल्सो गोइंग कॉन्स्टेंटली डाउन साइड फ्रॉम 5th house to 7th house, सो यू मे बी फेसिंग मूड डाउन सिचुएशन इन दिस वीक। If you have any friend of Pisces, please share this video with them. Subscribe channel for new Vedic astrology prediction. Thanks for watching.